हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई वेलकम यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ INMO फ्लैशबैक सीरीज। तो गाइज, इन दिस सीरीज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ऑफ INMO। वी स्टार्टेड विद द ईयर 2000 एंड करंटली वी आर गोइंग थ्रू द ईयर 2017। तो फॉर ईच वीडियो वी आर बेसिकली यू नो डिलीवरिंग वन वीडियो फॉर ईच क्वेश्चन। तो सारे के सारे वीडियोज हैव ऑलरेडी बीन पोस्टेड ऑन द चैनल, आप देख सकते हो वहां पे भी, या फिर यू कैन गो ऑन टू इनटू द प्लेलिस्ट सेक्शन, सो दैट यू कैन, इफ यू वांट टू डू इट इन ऑर्डरली मैनर, यू कैन फॉलो इट फ्रॉम देयर एज वेल। सो 2000 से लेके 2017 तक हम आ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ INMO 2017 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ INMO 2017। ओके, सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन ऑफ INMO 2017 दैट इज बेस्ड ऑन अ मिक्स ऑफ एलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी। इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी इस सेंस में है, इफ यू यू नो इफ यू जस्ट टैप द करेक्ट नर्व ऑफ द क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर। मतलब अगर आपको सही से छोटी सी पॉइंट है, अगर आपने वो हिट कर दिया इस पे, इफ यू थिंक अबाउट दैट, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, देन इट्स लाइक वेरी इजी क्वेश्चन। अदरवाइज यू कैन यू नो स्टार्ट, यू नो थोड़ा लेंथी जा सकता है, ठीक है ना? तो हम वो देखते हैं मेथड कैसे रहेगा। ओके, सो अगेन बिफोर स्टार्टिंग गाइज, मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा दैट यू प्लीज ट्राई द क्वेश्चन बाई योर सेल्फ फर्स्ट। पॉज द वीडियो बिफोर, आफ्टर आई शो यू द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड गिव दैट क्वेश्चन अ गुड अटेम्प्ट ऑन योर एंड, ठीक है? देन ओनली वॉच द सोल्यूशन सो दैट इट यू नो गिव्स यू द मैक्सिमम बेनिफिट। आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो उसके लिए आपको खुद ट्राई करना है पहले क्वेश्चन। गिव दिस क्वेश्चन अ गुड अटेम्प्ट। ओके, ऑल राइट। सो बिफोर बिगिनिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज लोहित जिंदल। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड आई हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर द पास्ट 9+ ईयर्स सिंस ग्रेजुएटिंग इन 2013 फॉर वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स लाइक IIT JEE, मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स, KVPY एटसेट्रा। ओके, ऑल राइट। तो गाइज देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ओके, अगेन आई विल रिमाइंड यू, प्लीज पॉज दिस वीडियो। ओके, पॉज दिस वीडियो है एंड प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन योर सेल्फ फर्स्ट, है ना? अपना एक अटेम्प्ट दे दो इस क्वेश्चन को सो दैट इट इज easier for you guys to understand as well as it will be beneficial, much more beneficial to you in that way only. Okay, all right. I hope everybody has given this question a good attempt. So let us discuss this question. तो guys question में ये बोला जा रहा है, suppose n is greater than equal to zero, है ना? जो n है कहाँ पे? यहाँ पे 2016 की power के अंदर लिखा हुआ है वो n, ठीक है? This is your equation. Okay, ये रहा आपका n. सो एन की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज प्रोवाइडेड टू यू। ओके, सो बेसिकली दैट इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, इज एन इंटीजर फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? इंटीजर भी है एंड ऑल द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन आर इंटीजर्स। इंपॉर्टेंट थिंग्स अंडर, यू कैन अंडरलाइन दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? इट डज हेल्प यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। सो जो रूट्स हैं वो इंटीजर हैं और जो एन की वैल्यू है वो भी इंटीजर है, रादर जीरो या उससे बड़ा इंटीजर है। वॉट यू हैव टू फाइंड इज फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। See guys, if the roots are integers, of course alpha will also be an integer, right? But we have to find all the possible values of alpha. Okay, so let us start with this, guys. Equation likhte hain sabse pehle, jo aapka cubic equation hai, that is x cube plus alpha x, right? Plus 4 minus 2 into 2016 power n equal to 0, right? So let us say, let us assume some roots. लेट से दिस क्यूबिक इक्वेशन हैज रूट्स ऑफ ए बी एंड सी, तीन रूट्स हैं ए बी सी, ठीक है? नाउ फ्रॉम वेटर्स थ्योरम व्हाट रिलेशंस डू वी हैव? वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, सिंस देयर इज नो स्क्वायर टर्म इन दिस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है, इट इज नॉट देयर, सो सम ऑफ रूट्स इज जीरो। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट? दैट इज अल्फा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी सी, दैट इज माइनस प्लस नेगेटिव टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी, राइट? सो नेगेटिव टाइम्स दिस क्वांटिटी इज 2 इनटू 2016 पावर एन माइनस 4, राइट? द साइन विल चेंज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सिंस देयर शुड बी अ नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेगेटिव हमने पहले से कर दिया। सो दीज आर द थ्री रिलेशंस यू हैव, ठीक है? ऑल्सो वन मोर थिंग, सी गाइज, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज दिस नंबर, राइट? तो एक जो मैं आपको बात बता रहा था कि एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आपने वो पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। दैट इज चेकिंग व्हाट आर द डिवाइजर्स ऑफ 2016। 2016 का एक इंटरेस्टिंग डिवाइजर है 7। इफ यू चेक इट, इफ यू डिवाइड 2016 बाय 7, यू विल सिंपली गेट
288 is the other divisor. Basically 2016, what is 2016? मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ. सो 2016 इज 7 इंटू 288. सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. वाई? बिकॉज इट विल बी वेरी यूजफुल टू अस इफ वी कैन फाइंड यू नो सच डिवाइजर विच इज ऑलवेज, बिकॉज 2016 अगर डिविजिबल है 7 से तो उसकी कोई भी पावर कर दो वो डिविजिबल है 7 से, राइट? सो ड्यू टू दिस रीजन दैट 2016 या फिर आई कैन राइट 7 डिवाइड्स 2016, है ना? So wouldn't I say that no matter what, from this thing I'll conclude that no matter what, 7 does not divide ABC, right? Product ko divide nahi karta hai. Why not? Because ABC is 2 into 2 power 2016 power n. So ye term to 7 se divisible hai, but 4 is not. So 7 does not divide ABC, correct? Rather, if we take mod 7 for this, agar hum iska mod 7 karein, right? What do I get? I'll get ABC will be congruent to minus 4 because first term is divisible by 7 for any n, theek hai? It is independent of n basically. Rather than minus 4 ko kya likh sakta hu main? 3 mod 7, right? Minus 4 is equivalent to 3 mod 7. So this is one of the very important step in this question, that ABC is congruent to 3 mod 7, correct? Okay. So how can we use this to our advantage now? Okay, one more thing. Since 7 does not divide the product of ABC, right? Since 7 does not divide the product of ABC, 7 will also not divide A, B and C or C, nobody, right? Kyunki unke product ko divide nahi kar raha hai, to basically kisi bhi factor ko divide nahi karta hoga na. Separately also, 7 cannot divide any of the ABC because agar kisi ek ko bhi karta, to product ko bhi karta divide, right? ABC product is congruent to 3 mod 7. So none of AB, AB or C will be congruent to 0 mod 7. Otherwise, ye 0 aana chahiye tha, right? So another important thing. Okay, so no term, no root out of AB and C is divisible by 7, right? Yahan tak ho gaya. Now we'll use this concept, guys, that if A plus B plus C is 0, sum of the three terms is 0, then we know that A cube plus B cube plus C cube is equal to 3 times ABC, right? A plus B plus C is 0 is equal to 0, then it means we can say A cube plus B cube plus C cube is equal to 3 ABC. Now ABC is congruent to 3, so this should be congruent to 3 into 3 mod 7, right? This term is congruent to 3 into 3 mod 7. So what do we get from this? That A cube plus B cube plus C cube is congruent to 9 का मतलब हो गया remainder 2 mod 7, right? यहाँ तक समझ में आ गया? I hope A cube plus B cube plus C cube is congruent to 2 mod 7. आना चाहिए सब. Now all we have to do is we have to find such A, B and C. Okay, one more thing guys. यहाँ पे मैंने जो consideration किया हुआ है, I'm sorry I forgot to tell you that 2016 7 से divisible है, right? But it will be entirely different thing if n is, you know, 1 or something, n 1 ya usse bada hai, kyunki agar n 0 ho gaya, then ABC is 2, right? This is only true, whatever I have done this thing, 7 divides 2016, and when I wrote this thing, ABC is congruent to minus 4, this is true only for n greater than equal to 1, right? All this thing is true, from this thing onwards, is for n greater than equal to 1. I'm solving for n greater than equal to 1. I'm leaving the possibility of n equal to 0 for the time being. For the time being, uspe aayenge hum. But the thing that I've written, that ABC is congruent to minus 4 or 3, which is 3 mod 7, that is for n greater than equal to 1, right? Kyunki 2016 ki power agar 1 ya usse badi hogi, tabhi true hai na? For n equal to 0, it will not be true. This is wrong then, right? For this is, so basically this thing is true only for n greater than equal to 1, right? Okay, so forgot that. Okay, so I'm just letting you know there. Okay, so anyways, yahan pe hum kahan tak aa gaye the? A cube plus B cube plus C cube is congruent to 2, hai na? Sum of the cubes is congruent to 2. Now very interesting thing, if you guys should, although you should guys should know this, you know this concept that if any number k, what can be the different remainders of k cube given for mod 7, right? Let us understand that. Okay, सी क्या क्या रिमाइंडर्स आ सकते हैं अगर किसी नंबर आपको आप 7 से डिवाइड करते हो 0, 1, 2,
फोर को मैं माइनस थ्री भी लिख सकता हूँ, टू सिक्स फाइव को मैं माइनस टू लिख सकता हूँ, और सिक्स को माइनस वन लिख सकता हूँ. दिस इज मॉड सेवन, राइट? ओके ओके, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं. लेट मी कीप इट अ बिट ऑन दिस साइड. ओके, राइट? दिस थिंग इज क्लियर. नाउ क्यूबिंग दीज यू विल ऑब्जर्व व्हाट डिफरेंट रिमाइंडर्स कैन आई गेट. जीरो का क्यूब जीरो, वन का क्यूब वन, टू का क्यूब ऑल्सो गिव्स यू वन, थ्री का क्यूब 27 है तो वो सिक्स आ जाएगा, माइनस थ्री का क्यूब माइनस 27 माइनस सिक्स विच मीन्स प्लस वन, माइनस टू का क्यूब माइनस एट विच इज माइनस वन. ठीक है, रादर आप नेगेटिव में ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द थ्री क्यूब 27 विच इज माइनस वन, ऐसे ही लिखते हैं, वन और माइनस वन की फॉर्म में लिखते हैं. माइनस टू का क्यूब माइनस एट आ जाएगा विच इज माइनस वन, एंड माइनस वन का क्यूब माइनस वन. सो यू सी ओवरऑल द ओनली क्यूब ओनली रिमाइंडर्स दैट यू कैन गेट व्हेन यू क्यूब अ टर्म, क्यूब अ इंटीजर, आर जीरो, माइनस वन एंड वन. दीज आर द ओनली डिफरेंट पॉसिबल रिमाइंडर्स. ठीक है, तो गाइस अब एक बात सोचो. नाउ इन दिस पॉइंट एट इन दिस स्टेप वी नो दैट नन ऑफ ए बी सी इज डिवाइडेड बाई सेवन, राइट? डिविजिबल बाई सेवन, बिकॉज सेवन डज नॉट डिवाइड ईदर ऑफ ए बी और सी. सो ये जीरो का केस तो हट गया, जीरो इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ देम, राइट? सो यूजिंग वन माइनस वन, वन एंड माइनस वन ओनली, देर इज नो पॉसिबल केस such that the sum of the three terms is congruent to 2. Sum to 2 kabhi aayega hi nahi, right? 1, if you see, simple hai, 1 ya minus 1 hi ho sakta hai. So if you keep 2 of minus 1, then net minus 1 ho gaya. Agar 2 1 ke rakh liye, 1 minus 1 ka rakh liya, to net 1 ho gaya. Tino ek hi type ke rakh liye, ya to minus 3 aayega ya plus 3 aayega. So there is no scenario, so there is no possibility under which sum of the three cubes will give you remainder of 2, right? Under this criteria, so this will you can say not true for any value of a, b and c, correct? This thing can never be satisfied, can never be satisfied or can never be true for any value of a, b, c, since a cube, b cube, c cube can only take values of minus 1 and 1, right? So this case is rejected, which means n cannot be greater than or equal to 1, or you can say for n greater than or equal to 1 there is no solution. Okay, for n greater than or equal to 1 that means there is no solution, or you can say it is not possible for the equation to have integer roots, right? Rather ye likhna better rahega. So this will not result in any no integer roots. Theek hai, possible nahi hai sir. That such a case is not possible. So what all is left? Only case left is that is n equal to 0. Ab n equal to 0 ke liye dekhte hain fir kya hoga. For n equal to 0, this is very simple to solve. ABC is 2 into 0, 2 into 1, 2016 power 0 is 1, 2 minus 4 is minus 2. So product of 3 integers is minus 2. Also known that the sum of the 3 is 0. Theek hai? Ab aap simple sa yahan se logic soch sakte ho. Although you can try to, you know, substitute one of them and then check, वो भी कर सकते हैं. If you substitute the value of c as minus of a plus b plus c, a plus b, you'll get a plus b into a b is 2. ये भी कर सकते हो दोनों से. So both ways you'll see. Now see, अच्छा यहाँ से कैसे देखोगे? A और b ऐसे numbers हैं, so that the product is 2. 2 can only be formed by 2 and 1 with negative signs along, है ना? तो a b into a plus b 2 कैसे आएगा? If one of them is 1, one of them is minus 2. Because that's then that is when the other value will be okay. Haan. A B ki value put karni hai, aapko to 2 ki value put karni hai. So it can either be minus 1 into minus 2. Wo ho nahi sakta. It cannot be minus 1 into minus 2. Okay. Can it be 2 into 1? 2 or 1 ho sakta hai? No, wo bhi nahi ho sakta. The possibility is minus 2 and 1. Kyunki minus 2 plus 1. माइनस वन हो जाएगा. सो ऑल्दो इट इज साइक्लिक सिनेरियो, एबीसी साइक्लिक में कुछ भी हो सकते हैं, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री विल बी द सॉल्यूशन दैट विल सेटिस्फाई इज 1 1 माइनस 2, है ना? इन डिफरेंट परम्यूटेशंस एज वेल, मतलब इन द एंड तीनों नंबर ये होने चाहिए. ओके, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली दैट ए हैज टू बी 1, ऐसा नहीं है. द पॉइंट इज 1 1 एंड माइनस 2 विल हैव टू बी द सॉल्यूशन, नो अदर केस इज पॉसिबल, क्योंकि एबीसी तो साइक्लिक है.
है ना. सो एबीसी कैन बी साइक्लिक. सो वन वन एंड माइनस टू इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, और कोई करेगा ही नहीं. द वेरी लिमिटेड पॉसिबिलिटीज, और उनमें से आप चेक करोगे अगर आप, सिर्फ वन वन और माइनस टू ही आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं. और यू कैन चेक इट फ्रॉम हेयर एज वेल ना, आपको तीन नंबर ऐसे चूज करते हैं करने हैं. सो टू वन वन ही हो सकते हैं, एक कोई टू होगा, एक वन होगा, एक वन होगा, बट साइंस आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो माइनस टू तभी आएगा जब कम से कम एक नेगेटिव हो या फिर तीनों नेगेटिव हो. तो तीनों नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है. इट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी इज वेन वन ऑफ देम इज नेगेटिव. यहां तक तो आइडिया क्लियर है. और अब जो नेगेटिव वाला साइन होना चाहिए उसको सबसे बड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज बाकी दोनों के सम के इक्वल है वो. बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो, इफ एनी वन ऑफ देम इज नेगेटिव, लेट से सी इज नेगेटिव, आप उसको राइट साइड पे लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा. सो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस सी ना. तो वो जो सी की वैल्यू है दोनों से बड़ी होनी चाहिए इंडिविजुअली. सो दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी. सो नेगेटिव साइन आप उसी को यू नो अटेन कराओगे. सो नेगेटिव साइन विल बी एलोकेटेड टू दैट ओनली, है ना. नेगेटिव साइन सबसे बड़े वाले वैल्यू को एलोकेट कर दोगे. सो दैट इज टू, वन वन और टू ही हो सकता था. सो टू को एलोकेट कर दी नेगेटिव साइन, एंड वन वन एंड माइनस टू इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट सेटिस्फाइज दीज इक्वेशंस. सो वंस यू फाइंड दिस, अब अल्फा ढूंढना था अपना काम, तो अल्फा ढूंढने का था तो अल्फा ढूंढ लेते हैं. अब तो काम ईजी है आपका. नाउ वॉट इज अल्फा, टेकन टू एट अ टाइम. सो ए इंटू बी इज वन, बी इंटू सी इज माइनस टू, सी इंटू ए इज माइनस टू. ठीक है, कोई भी ऑर्डर में रख लेते हैं, यही आएगा. सो वन माइनस फोर द फाइनल आंसर इज अल्फा इक्वल टू माइनस थ्री. सो दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी. फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा था. सो दिस इज द ओनली रादर ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा दैट विल गिव यू इंटीजर रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, राइट. सो द फाइनल आंसर इज अल्फा इक्वल टू माइनस थ्री, करेक्ट, राइट. सो गाइज आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. मैंने आपको वही बोला कि देर इज ऑल्सो ओनली दिस वन स्मॉल ट्रिक, और यू कैन से स्मॉल ऑब्स्टिकल, जो अगर आपने फॉलो कर लिया, समझ लिया, तो आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. एंड दैट वॉज चेकिंग अबाउट मॉड सेवन. ठीक है, देयर कुड बी अदर वेज एज वेल, यू कैन ट्राई फिगरिंग देम आउट, बट वॉट आई थिंक इज दिस वन इज द मोस्ट यू नो सिंपलिस्टिक सोल्यूशन इन दिस सच केस. आप अलग अलग नंबर और उठा सकते हो, लाइक टू से डिविजिबल है वो, फोर से भी मॉड कर सकते हो, एट से भी कर सकते थे. सो यू कैन गिव अ थॉट टू दोज थिंग्स एज वेल. उसमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज आ सकता है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दोज मेथड्स एज वेल. तो सोचना उसके बारे में ध्यान से, ठीक है. बट आई वुड से कि दिस मेथड बाय, और यू कैन से बाय मॉड, टेकिंग मॉड सेवन इज द मोस्ट एलिगेंट वे बी, है ना, और द इजिएस्ट टू फॉलो और अंडरस्टैंड. हाँ, बट दिस थिंग इज अ बिट ट्रिकी कि सेवन से डिविजिबिलिटी कैसे देखना है, है ना. आई गॉट टोल्ड यू द वे टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज एन पे डिपेंडेंसी हटानी चाहते थे हम. वी वॉन्टेड सच अ वे बिकॉज इट वॉज ट्रू फॉर एनी एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, राइट. तो हमने एन से डिपेंडेंसी हटा दी एक ही बार में बाई चेकिंग द फैक्टर्स ऑफ 2016, है ना. तो वो आपको हेल्प कर सकता है वहां पर, राइट. सो ऑल राइट गाइज, आई होप यू गाइज लर्न समथिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, है ना, एंड वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल. सो इफ यू डिड सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. सो we will keep coming up with such videos. With this we have done the second question of INMO 2017, and in the next video we'll be doing the third question of INMO 2017. Okay, so keep practicing guys, we'll see you in the next video. Till then keep practicing and all the best guys, take care, bye bye.